हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का न्यू ओवरटेक में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10वीं पास आई ग्रुप डी में भर्ती। जी हाँ, ग्रुप डी के पदों पर भर्ती आ चुकी है, वो भी सिर्फ 10वीं पास। यहाँ पर कोई भी आईटीआई, कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, सिर्फ यहाँ पर 10वीं पास मांगा गया है। अगर आप 10वीं पास है तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज ही कर दें। जी हाँ, इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको कैसे भरना है वो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें। जी हां, आप सभी से बहुत ज्यादा शिकायत रहती है, आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते। प्लीज वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, में शेयर कर दें। इसी प्रकार लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन दबाएं। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं इस वैकेंसी की। दोस्तों, आपको बता दें, जो भर्ती निकाली जा रही है 10वीं पास ग्रुप डी के पदों पर भर्ती निकाली जा रही है और बड़ी भर्ती है, जिसमें एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 40 वर्ष यहां पर एज लिमिट दी गई है। जी हां, महिला और पुरुष दोनों ही अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको हमारी वेबसाइट पर लेके चलते हैं, यहां पर हम आपको बताते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी के बारे में। जी हां, पोस्ट की बात करते हैं तो ग्रुप डी के पदों पर ये वैकेंसी निकाली जा रही है। आपको बता देते हैं, कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। जी हां, हाई कोर्ट की ये भर्ती है, जिसमें ग्रुप डी के पदों पर ये भर्ती निकाली जा रही है। एप्लीकेशन मोड सिर्फ ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा इस वैकेंसी के लिए। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल और ओबीसी के लिए 200 रुपए है और यहां पर एससी एसटी कैटेगरी के लिए यहां पर 100 रुपए आवेदन शुल्क है। पेमेंट मोड आपको सिर्फ ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा, ठीक है। एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 साल इसमें मिनिमम दी गई है और अधिकतम यहां पर जनरल कैटेगरी के लिए है 35 वर्ष, ठीक है, और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहां पर है 40 वर्ष और ओबीसी के लिए है 38 साल, ठीक है, और आई सीमा में छूट भी है जो कि एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दी जाती है, ठीक है। क्वालिफिकेशन जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, अगर आप 10वीं पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप 12वीं पास भी है, ग्रेजुएट भी है, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो इसकी लास्ट डेट है आवेदन करने की 3 जून, ठीक है, आवेदन करने की, ठीक है, और आपकी जो पेमेंट है आप 6 जून तक कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको आवेदन का लिंक, नोटिफिकेशन का, वेबसाइट का, सभी का लिंक मिल जाएगा। जैसे आप आवेदन पे क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे आ जाएंगे। यहां पर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा, जैसे कि यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लास्ट डेट दी गई है और पोस्ट का यहां पर सेलेक्ट किया गया है और यहां पर आपको आपका नाम डालना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, आपके पिताजी का नाम डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है, और कहां से आप आवेदन कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है और आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आपकी जो भी कैटेगरी है वो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है, अगर आप एससी एसटी या ओबीसी के हैं तो आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, डेट ऑफ सर्टिफिकेट डालनी होगी। उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा है तो यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन है तो आप वो फिल कर दीजिएगा। उसके बाद में यहां पर सिटीजन के बारे में पूछा गया है, अगर आप इंडियन है तो आप इंडियन मेंशन कर दीजिए, अगर आप अदर्स हैं तो आप अदर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में यहां पर आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस डालना होगा, उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस डालना होगा, उसके बाद आपका पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, आपका जो भी ईमेल आईडी है वो आपको फिल करना होगा। इस प्रकार आपको इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को भरना होगा। प्रीव्यू करने के बाद में आपको इस फॉर्म को फाइनली चेक करना होगा कि आप में आपने कोई गलती तो नहीं करी है इसको फॉर्म को भरते वक्त। अगर आपने कोई गलती नहीं करी है तो फाइनली इस फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में आप आपका जो पेमेंट है वो करके आप उसको फाइनली सबमिट कर सकते हैं। इस प्रकार आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे। यहां पर आप जैसे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, उसके बाद में यहां पर स्केल ऑफ पे के बारे में बताया गया है कि आपकी यहां पर स्केल कितनी है। जी हां, आपकी सैलरी कितनी मिलेगी, 19,900 से लेकर 63,200 यहां पर आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी, ठीक है। एज लिमिट के बारे में बताया गया है, आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है वो पूरी जानकारी यहां पर आपको मिल जाएगी। कैटेगरी वाइज पोस्ट को डिवाइड कर रखा है। तो दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने से पहले इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें ताकि आपका समय और पैसा बर्बाद होने से बच जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।